दिल्ली में आंदोलन चला तो 750 किसान शहीद हुए, पंजाब में भी आंदोलन चल रहा तो कई लोग वहां पर शहीद हो रहे। बड़ी मुसीबत किसान पाने वाली है, बड़े लोगों की नजरें आपकी जमीन पे हैं, किसान बेच रहा व्यापारी खरीद रहा, क्योंकि ये देश पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। ये जो सरकार है ना, ये उद्योगपतियों की सरकार है। अगर यह बीजेपी की सरकार होती तो यह बात करती बात मानती, यह उनकी सरकार है ही नहीं। ये आंदोलन बचाओगा इस देश को, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बचेगा ही नहीं। आज जो हमारे शहीद हुए थे सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, तो आज 23 मार्च का शहीदी दिवस है। हम उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी, और ये आंदोलन भी कुर्बानियों से चला है। जब भी संघर्ष होगा या गलत चीज कोई कहीं होगी उसकी आवाज उठाई जाएगी तो कुर्बानी से ही उसका समाधान होगा। दिल्ली में आंदोलन चला तो 750 किसान शहीद हुए, पंजाब में भी आंदोलन चल रहा तो कई लोग वहां पर शहीद हो रहे। और ये तो आज का आप हाल देखोगे जिस तरह की सरकारें आज हो रही है। आज जेल में जबरदस्ती ले जाए जा रहे हैं, मतलब किसी को भी पकड़ो या तो शामिल हो जाए सरकार में, सरकार में शामिल नहीं होता तो जेल में जाओ, क्या माहौल बन रहा है। और आज से पहले होता था कि सरकारों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलते थे, टिकेट साहब 350 बार जेल में गए। आज वाले नेताओं ने जब से जेल जाना बंद कर दिया तो सरकारें तानाशाही होगी। वैसे ही भाई जो विपक्ष है इनको भी चाहिए कि सरकार गलत काम कर रही तो उससे डरा मत, डरेगा तो डराए ना, डरे हुए को तो ज्यादा डरावे या, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना हुए अपनी उसकी रखवाल नहीं कर पा रहे। सरकार ने घोषणा पत्र में कहा कि बिजली फ्री रहेगी 5 साल, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल फ्री रहेगी। जब आंदोलन लोगों ने किए तो उन्होंने कहा कि नहीं फ्री हम करेंगे, लेकिन इतनी कंडीशन लगा दी अगर कोई बिजली फ्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो ऐसा चेक हुआ है उसमें से निकल नहीं सकता, मीटर तो लगेगा 12 और रीडिंग सा होगा, बिल आप दे ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आमदनी दुगुनी कर देंगे, लेकिन वही कहां तक कर देंगे आमदनी दुगुनी, आपके खर्चे कम होंगे तो आमदनी दुगुनी होगी। सरकार क्या, सरकार भी लग लो, गांव का प्रधान भी लग लो, कोल्ड ड्रिंक बाहर से आ रहे, दूध 40 रुपए लीटर बेच रहे, कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए लीटर बाहर से खरीद रहे। देखो आमदनी किसान की दुगुनी होगी, आप फल फ्रूट खाओ तो किसान की आमदनी दुगुनी होगी, आप दूध पियो तो किसान की आमदनी दुगुनी होगी, नारियल पानी पियो तो किसान की आमदनी दुगुनी होगी, अरे जूस पी लो भाई, जूस ले आओ तो कम से कम बेचने वाले का भी फायदा होगा, किसान का भी फायदा होगा। बड़ी मुसीबत किसान पाने वाली है, बड़े लोगों की नजरें आपकी जमीन पे हैं। अब आप देख रहे ना जितने भी आपके बाग बगीचे जमीन बिखरी सब व्यापारी खरीद रहा, किसान बेच रहा व्यापारी खरीद रहा। आप कोई बाग बता दो कहां कहें कि ये दिल्ली का लाला जी है, ये वहां का है, ये आपपुर का है, ये मेरठ का है, बाग बता बता दो सब बिक जाएंगे तो आप खुश हो रहे कि मेरा महंगा बिक गया। अगर आपके बाप दादा बेच देते तो आप कहां जाते, तो आपकी कोई जिम्मेदारी कोई वो नहीं कि आप इसको बेचोगे, आपको इसको रखवाली के लिए भेजा है, आपके परिवार ने आपको दिया, आप आकर ट्रांसफर करो इसको। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा सेठ परिवार है, उसने कंडीशन लगवा रखी है अपनी जमीन पे, जमीन बेच ही नहीं सकता कोई, लीज पे दे सके किराए पे, क्योंकि ये देश पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। ये जो सरकार है ना, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जो पूंजीवाद देश में है वो हावी है, उसने कब्जा कर लिया, बहुत कह दिया बीजेपी की सरकार है,
अगर यह बीजेपी की सरकार होती तो यह बात करती, बात मानती, यह उनकी सरकार है ही नहीं। इसमें भी कब्जा कर लिया उन्होंने, इसमें भी जो भी नेता बोल रहे उसे ही चांटते हैं, वे अपने वालों को भी चांटते हैं, चांट पीट के बिल्कुल ठीक रखते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी बयानबाजी करते तो उसे पढ़े, उसे हलावे और फिर गमले में लगा के फिर पानी दे दे। तो ये जब अपने वालों के लिए कहां गए अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा कहां गई, तो ये तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे इसके खिलाफ। देश में पूंजीवाद हावी है और हावी इसलिए होगा कि विपक्ष कमजोर है। वे जेल से डर रहे, जेल से डर रहे भाई। तीन तरीके से राजा अगर किसी की नजर पड़गी, राजा की ये इस आदमी को लेना है भाई, तो तीन तरीके से वहां आदमी जा रहा है। एक तो जा रहा सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे कोई जा रहा है उसे मान सम्मान देंगे, तू जो कुछ पद लेना ले ले, सम्मान सर होते जाए कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा सा लालची सा भी हो जाए वो कह जी मैं सोच के बताऊंगा, वो तू फेरे बात में जा भाई, मुझे पंप चलाना, मुझे ठेकेदारी करनी, मुझे खनन का काम भी करना, कहने का चल कोई बात नहीं तू कर ले, शामिल हो जा हमारे साथ में। और तीसरा अवैध जो आना नहीं चाहता तो रात के अंधेरे में जा, उसे चाट पीट कर लेकर जा, जाएंगे सारे। ये आंदोलन बचाओगा इस देश को, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बचेगा ही नहीं। तो आप अपने आंदोलन पर ध्यान दो, ये तो इनका तीज त्योहार पानी गिर रहे हैं और दिक्कत होती है तो हो गया। आपके भाई प्रोग्राम अपना ठीक हो, आपके रोजे ठीक से रहे, फिर नवरात्र हो जाएंगे, नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो नौ दिन उसमें निकट जाएंगे और बस हो गया इतना रक्षण आ जाएगा, फिर अपना गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, अपना काम करिए, संगठन पर अपना ध्यान दो, पॉलिटिकल सिस्टम से बच के रहना। पुलिस प्रशासन कह भी सके इलेक्शन चल रहे, हमारा पर्चा कैंसिल कर लियो भाई, हम अगर कुछ कहा हमारा पर्चा कैंसिल करो, हम ना हमारे मंच पर पॉलिटिकल अफ्तर ना उनके वहां पर जाना। हाँ तो आपका धन्यवाद सभी का, और हमारा आज शहीदी दिवस है क्योंकि संयुक्त मोर्चे का भी ये था कि 23 तारीख को प्रोग्राम होना चाहिए, तो आज का दोनों प्रोग्राम हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।